हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ बेसिक फिजिक्स। आवर टुडेज टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। सो स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक, जो भी हमने वीडियो लिए थे उस प्रीवियस वीडियो की हम पहले रिवीजन करते हैं। सो हमने प्रीवियस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक क्या लिया था, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट द इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डैट कैन बी मेजर एंड डिस्क्राइब बाय द नंबर। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर। देन आफ्टर सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटी। सेन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, प्रीवियस वीडियो इज, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ यूनिट। सो व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट? सिस्टम ऑफ यूनिट इज नथिंग बट द इट इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के और डिराइव्ड क्वांटिटी के सेट, सेट मीन्स इट इज़ अ बंच, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ दैट सिस्टम ऑफ यूनिट? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ दैट सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट इज द MKS, इट इज स्टैंड्स फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। देन सेकंड इज द SI, SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। देन थर्ड इज द CGS, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड। एंड फोर्थ इज द लास्ट इज द FPS, F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड। देन नाउ वी स्टार्ट द वीडियो विथ फर्स्ट सी द लर्निंग आउटकम। डियर स्टूडेंट्स, हम अभी जो आज का वीडियो देखेंगे उस वीडियो के क्या लर्निंग आउटकम है, यानी हम आज का वीडियो जो देखेंगे उससे आपको क्या सीखने के लिए मिलता है। सो फर्स्ट लर्निंग आउटकम ऑफ दिस वीडियो इज, यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी आप कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप इजीली निकाल सकते हो। देन सेकंड लर्निंग आउटकम ऑफ दिस वीडियो इज अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी जो भी हम डायमेंशन निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, किससे निकालते हैं हम डायमेंशन? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। सो दिस डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके क्या अप्लीकेशंस है, वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, सो ये हम ये वीडियो से देख सकते हैं। एंड थर्ड लर्निंग आउटकम ऑफ दिस वीडियो इज नो द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो व्हाट इज़ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी? हमने अभी जो वीडियो है वो वीडियो डायमेंशन का है, और नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारा कौन सा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो डायमेंशन और डायमेंशनलेस, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस। यानी ये कौन सी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। सो हमको डायमेंशनलेस क्वांटिटी की भी डेफिनेशन इस वीडियो से पता चलेगी। देन आफ्टर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज डायमेंशन। सो व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो द फिजिकल क्वांटिटी दैट पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम मस्ट बी रेस्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम, जिसके पावर, पावर मीन्स क्या होता है, रेस्ट टू द पावर हम बोलते हैं, जिसके ऊपर में हम कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर लिखते हैं। सो हम किसके ऊपर में नंबर लिखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर में। और फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, लेंथ, मास एंड टाइम। देन सेकंड इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। हमेशा ध्यान में रखना कि हम जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे डायमेंशन निकालते समय, हम उसको लिखेंगे कैपिटल लेटर में। जैसे तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास और टाइम। सो हम उसको हमेशा लेंथ को लिखेंगे कैपिटल L, मास को लिखेंगे कैपिटल M और टाइम को लिखेंगे कैपिटल T। देन
एग्जाम्पल ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी. अभी मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी के क्या एग्जाम्पल है. इट इज द लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एन. मास, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एम. एंड टाइम, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल टी. देन नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल फॉर्मूला. डियर स्टूडेंट्स, हम जो अभी डायमेंशन निकालने वाले हैं, सो डायमेंशन निकालने के लिए हमको पर्टिकुलर फॉर्मूले की ज़रूरत होगी. तो उस फॉर्मूले की ज़रूरत है, इस डायमेंशनल फॉर्मूले से हम उसका डायमेंशन कोई भी चीज़ का यानी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला? सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज नथिंग बट इट इज़ द एक्सप्रेशन. क्या होता है ये? एक एक्सप्रेशन है विच शो हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी, ऐसे एक्सप्रेशन है जिसको हम कैसे और किस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कौन सा फॉर्मूला कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला. दिस डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑब्टेंड बाय यूजिंग पावर ऑफ दिस कैपिटल लेटर विद इन अ स्क्वेयर ब्रैकेट. डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम डायमेंशन निकालते हैं, सो उस डायमेंशन को हम हमेशा लिखेंगे एक स्क्वेयर ब्रैकेट में. और डायमेंशन को हम स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखेंगे और उस स्क्वेयर ब्रैकेट में हम लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़. सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? लेंथ, मास और टाइम. यानी उस स्क्वेयर ब्रैकेट में हम लिखेंगे एल, एम एंड टी. देन नेक्स्ट इज़ द अप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला. ये जो डायमेंशनल फार्मूला है, इसके अप्लीकेशंस क्या है? जब हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, सो डायमेंशन हम किससे निकाल रहे हैं? डायमेंशनल फार्मूले से. सो ये डायमेंशनल फार्मूले के क्या अप्लीकेशंस हैं? फर्स्ट अप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला इज़ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन. अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिया गया है, सो उस इक्वेशन को कितने तक उसमें एरर है, उस करेक्टनेस चेक करने के लिए ये डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ होता है. देन सेकंड अप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला इज़ कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनादर सिस्टम. यानी सपोज हमको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हमने अगर ले ली, और उस फिजिकल क्वांटिटी, सपोज हमने लेंथ ले ली, लेंथ का मीटर यूनिट क्या है? मीटर. सो मीटर इज इट्स MKS यूनिट. और अगर हमको उसको कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में, सो उसका CGS यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर. सो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनादर सिस्टम. देन नेक्स्ट, सो डियर स्टूडेंट, दिस चार्ट रिप्रेजेंट वेरियस एग्जाम्पल्स ऑन डायमेंशन. स्टूडेंट्स, यहाँ पे पर्टिकुलर एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, और उस फिजिकल क्वांटिटी के बाजू में उसका पर्टिकुलर यूनिट दिया गया है, और उस यूनिट के बाजू में उसका डायमेंशन निकाला गया है, और डायमेंशन के बाजू में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला गया है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो जैसे फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, सपोज हम लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी में एरिया, सो एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला जो आता है, सो डायमेंशनल फॉर्मूला आने के लिए उसकी स्टेप बाय स्टेप हमको प्रोसीजर करनी पड़ती है. सो दिस प्रोसीजर कैन बी एक्सप्लेन इन द आफ्टर दैट वीडियो. सो वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो वॉट इज़ द डायमेंशन लेस क्वांटिटी? स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले डायमेंशन के बारे में पढ़ा है. सो डायमेंशन इज अपोजिट टू द डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सपोज हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल रहे हैं, सो हम पर्टिकुलर डायमेंशनल फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, और उस डायमेंशनल फार्मूले से हम पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई भी डायमेंशन होता नहीं. सो हम लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ दैट डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट पजेस द डायमेंशन. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, सो उसे हम क्या कहेंगे? डायमेंशनलेस क्वांटिटी. देन दिस डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन बी आइडेंटिफाइड.
हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? व्हेन द डायमेंशन ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी जो भी डायमेंशन न्यूमरेटर का रहेगा वही डायमेंशन किसका रहेगा? डिनोमिनेटर का। सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर, सो दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। द एग्जाम्पल ऑफ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज, फर्स्ट एग्जाम्पल इज एंगल। एंगल मीन्स हम उसको किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। तो डिग्री का कोई फॉर्मूला होता है कि डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या? नहीं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज एंगल। देन सेकंड एग्जाम्पल इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का भी हम यूनिट या फिर डायमेंशन नहीं निकाल सकते। देन आफ्टर थर्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कोई भी, अभी हम ग्रेविटी अगर गिनते हैं तो ग्रेविटी का कुछ डायमेंशन होता है क्या, यूनिट होता है क्या? सो नहीं। सो हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी चीज़ का अगर यूनिट नहीं होता तो हम उसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं। यूनिटलेस क्वांटिटी इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देन आफ्टर, डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने ये जो वीडियो देखा है उस वीडियो से आपको क्या पता चल सकता है और आपको क्या सीखने के लिए मिल सकता है? सो यू कैन ईजीली कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ वेरियस फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। आप ईजीली कैलकुलेट कर सकते हो डायमेंशन फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के। देन आफ्टर, नो द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन है कि डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।